मिन्ना जी, अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री देवराज मिन्ना जी। ये देखिए, मौर्य एक्सप्रेस यहाँ से रांची से गोरखपुर के लिए पहले चलती थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले इसका जो विस्तार हुआ संबलपुर से, तो यहाँ की लोकल जनता ने डिमांड की रांची से। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन रांची गोरखपुर रांची एक्सप्रेस के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार संजय सेठ द्वारा वर्चुअल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आज मंगलवार को रवाना किया गया। इस अवसर पर रांची विधायक सीपी सिंह, सांसद महुआ मांझी की उपस्थिति रही। उद्घाटन के दौरान इस ट्रेन रांची ट्रेन संख्या 08629 रांची गोरखपुर स्पेशल के रूप में परिचालित हो। इस ट्रेन में 1 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, 2 वातानुकूलित टू टीयर, 7 वातानुकूलित थ्री टीयर, 6 द्वितीय श्रेणी स्लीपर एवं 4 सामान्य श्रेणी के कोच होंगे। और ट्रेन का मूरी, बोकारो, स्टील सिटी, छतरपुरा, धनबाद, चितरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडी, झाझा, खियूल, मुकामा, पटना साहिब, पटना, पाटलिपुत्र, दिगवारा, छपरा, सिवान, भटनी तथा देवरिया सदर स्टेशन पर ठहराव होगा। इस ट्रेन के नियमित परिचालन की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ट्रेन संख्या 18629 रांची गोरखपुर एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार को 5:10 रांची से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:30 पर ट्रेन का गोरखपुर आगमन होगा। ट्रेन संख्या 18630 गोरखपुर रांची एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार को 3:30 पर गोरखपुर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 9:25 पर इस ट्रेन का रांची आगमन होगा। ये देखिए, मौर्य एक्सप्रेस यहाँ से रांची से गोरखपुर के लिए पहले चलती थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले इसका जो विस्तार हुआ संबलपुर से, तो यहाँ की लोकल जनता ने डिमांड की कि रांची से शुरू होकर एक नई गाड़ी गोरखपुर के लिए मिलनी चाहिए। तो उन्होंने आग्रह किया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जो यहाँ के लोकल सांसद भी हैं, उन्होंने माननीय रेल मंत्री से इसका आग्रह किया। तो ये साप्ताहिक गाड़ी एक मिली है रांची को, रांची से चलकर गोरखपुर शनिवार शुक्रवार शाम को चलेगी, शनिवार सुबह गोरखपुर पहुँचेगी और फिर शनिवार दोपहर गोरखपुर से चलकर रविवार सुबह वापस रांची पहुँचेगी। तो सप्ताह में प्रतिदिन प्रति सप्ताह एक दिन इसकी सर्विस। ये फिर डेली भी करने की कुछ अनुसार है? अभी फिलहाल तो विचार नहीं है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देखा जाएगा कैसे इस पे लोग चलते हैं, कैसे इसकी ऑक्यूपेंसी कैसी रहती है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके तहत इसका परिचालन तय किया जाता है। तो ये रेल मंत्रालय तय होता है, फिलहाल अभी साप्ताहिक है, देखते हैं आगे कैसा। रांची मंडल का ये प्रांगण, रांची रेलवे स्टेशन, हमारे रांची अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री देवराज मीना जी मौजूद हैं और शुभ मंगल यात्रा की कामना करते हुए हम सभी को बहुत बधाई देते हैं, ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं। और ये आज का दिन हमारे लिए खुश नजर आ रही है, क्योंकि इस ट्रेन की काफी लंबे समय से मांग थी और ट्रेन को काफी हर्ष है और काफी